हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनी किचन। आज मैं स्पॉट इडली बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक कटोरी सूजी लिया है। उसी कटोरी का हाफ मैंने इसमें दही डाला है और उसी कटोरी से मैंने इसमें हाफ जो है वो पानी मिलाया है। अब जो नमक मिलाना है वो आपने अपने टेस्ट के अनुसार मिलाना है इसमें, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने चम्मच की हेल्प से इसको किस तरह से मिक्स किया है। एक स्मूथ पेस्ट जो वो बन जाएगा। इस तरह से एक साइड ही इसको हिलाएं ताकि इसमें यह जो वो अच्छी तरह से बनी रहे। और अब इसको मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है। दूसरी साइड मैंने एक चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है, उसमें मैंने चॉप्ड अनियन डालने हैं। अब इसको मुझे थोड़ा सा सोटे करना है थोड़ी देर। अब थोड़ी देर के बाद इसमें मैंने एक चॉप्ड अनियन तो डाला है, अब टमाटो डालना है और साथ में जो मसाले हैं जैसे चाट मसाला, चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, इसको मिला के, और जीरा जो है वो, और थोड़ा सा नमक डालना है, और इन सभी को अब मिक्स कर लेना है और ढक कर इसको पकाना है ताकि ये जो आपके जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। मिक्स करने के बाद इसको एक ढक्कन से ढक दीजिए। सिम गैस पे इसको बनाना है आपने, और 5 मिनट के लिए अब इसको ढककर पकाना है। देखिए ये कितना सॉफ्ट हो चुका है। इस तरह मिक्स करने के बाद आपको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है इस तरह से, और जो मिक्सचर लिया है अब इक्वल पार्ट में उसको इसमें डाल देना है। इस तरह से डाल दें, और अब इसके ऊपर फिर से हमें ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए पकाना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो आपकी बैटर है वो अच्छी तरह से कुक हो चुका है दोनों सी साइड। अब आप नीचे लग ना जाए इसलिए आप स्पैचुला की हेल्प से इसको थोड़ा हिलाते रहें और टर्न करें। गैस आपकी सिम ही रहे, नहीं तो आपका जो ये नीचे का मिक्सचर है वो जल जाएगा। इस तरह से उलटते पलटते आप स्पॉट इडली तैयार कर सकते हैं। इस तरह से तैयार है ये आपकी स्पॉट इडली। थैंक यू। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन को भी दबाना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।